हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में स्काई कैसे बनाना है वो सीखा था। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसमें हम स्काई सीखेंगे, बट सनसेट स्काई सीखेंगे। उसके लिए हमने कलर्स लिए हैं, जैसे कि येलो, रेड, ऑरेंज, वाइट एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर। तो हमने जो लास्ट वीडियो सीखा था वैसे ही ब्लेंडिंग टेक्निक्स हम इसी वीडियो में सीखेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, उसे बस क्लिक कीजिए तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। सो हमने रेड एंड वाइट कलर मिक्स करके पिंक शेड एक बना लिया है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे आप अगर कोई फेंट शेड, तीन चार शेड्स अगर आपको ब्लेंड करने हैं तो आप उनको ऐसे रेडी करके रख सकते हैं ताकि और ब्लेंडिंग इजी हो। अब स्काई जहाँ तक चाहिए वहाँ तक एक लाइन खींच ले। मैंने ऐसे लाइन बनाई है जहाँ तक मुझे स्काई चाहिए। नाउ विल स्टार्ट विथ ब्लू कलर। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ब्लू कलर का स्काई बनाया था, हम उसी शेड से स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू कलर हमने बनाया है। नाउ मैंने पहले कैनवस पे थोड़ा सा पानी लगाया था, जैसे लास्ट वीडियो में हमने मॉइस्ट किया था कैनवस, वैसे ही मैंने इस वीडियो में बताया नहीं, पर इसके पहले मैंने कैनवस को मॉइस्ट किया था। अब मैंने ब्लू कलर लगाया है। अब ब्लू कलर मुझे इतने ही पोर्शन में चाहिए, तो इसके नीचे मैंने वाइट कलर लिया है। जो टेक्निक मैंने बताई थी आपको कि आप पहले वाइट कलर लगा लें, नीचे जो भी आपको शेड चाहिए उसके पहले आप वहाँ पे वाइट कलर लगाएं और उसके ऊपर जो शेड चाहिए आपको, जो ब्लेंड करना है ऊपर के कलर के साथ, वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने पहले वाइट कलर लगाया, उसके ऊपर मुझे, मैं सिर्फ मार्क कर रही हूँ कि मुझे कहाँ कौन सा शेड चाहिए। तो पिंक चाहिए, ऑरेंज शेड मुझे चाहिए और येलो शेड चाहिए। तो मैं तीनों शेड्स की पोजीशन यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब मुझे बस वाइट कलर लेना है और उसके साथ मैंने जो लाइंस खींची है कलर्स की, उस वो अपने आप ब्लेंड हो जाएगी। एक मॉइस्ट ब्रश लेना है आपको और वाइट कलर लेते जाना है और इन लाइंस को उसके साथ ब्लेंड करना है, लाइक दिस। सिर्फ वाइट कलर ले रही हूँ मैं। अगर कलर ज़्यादा हो जाए तो कलर रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ एंड वॉश द ब्रश। अगेन टेक वाइट कलर एंड ब्लेंड लाइक दिस। नीचे पहले आपको वाइट कलर लगाना है थोड़ा सा, उसके बाद उसके ऊपर जो कलर ब्लेंड करना है वो लगाना है और विद द हेल्प ऑफ वाइट कलर अगेन यू हैव टू ब्लेंड इट। अगर आपको फेंट जो लाइटर शेड से वो चाहिए, अगर आपको डार्कर शेड चाहिए तो आपको इतना वाइट कलर लेके ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट सनसेट स्काई जो होता है उसका काफ़ी लाइटर शेड होता है एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो हम येलो शेड और यहाँ पे लगाएंगे। और लास्ट दो वीडियो में मैंने दो टेक्निक्स बताई थी ब्लेंड करने के लिए, ये थर्ड टेक्निक है। अगर आपका शेड आपको जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है तो उसे ड्राई होने दीजिए और उसके ऊपर वाइट कलर लगा लें और फिर से आपको जो दोनों कलर्स ब्लेंड करने हैं वो उसके ऊपर लगाएं। हर एक लेयर आपको ड्राई होने देनी है। अगर आपका कलर थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो आप को वाइट कलर लगा के ड्राई होने देना है। ब्लेंडिंग के लिए आपको कलर्स ड्राई नहीं होने देना है। जो आप मॉइस्ट कलर लगा रहे हैं, जो मॉइस्ट ब्रश ले रहे हैं, वो आपको इमिडिएटली ब्लेंड करना है। तो ब्लू कलर हमने ऊपर लगाया था, फिर वाइट कलर लगाया, उसके ऊपर जो कलर्स हमें ब्लेंड करने थे वो लगाए। अब मुझे थोड़ा सा बीच में पिंक शेड चाहिए, तो मैं
पिंक शेड यहाँ पे लगाऊंगी। मुझे जैसे चाहिए था वैसे ही लाइटर शेड यहाँ पे रेडी हो गया है। कलर्स वहाँ तक ही ब्लेंड करें जब तक एक अनइवन स्ट्रोक ना दिखे। जब वो ड्राई हो जाते हैं कलर्स तो ब्रश जो है हमारा मूव नहीं होता, वो स्ट्रोक्स अच्छे नहीं दिखते। वहाँ तक हमें ब्लेंड नहीं करना है। अगर वैसा हो तो वो वहीं पे ड्राई होने दीजिए अगर बिगड़ गया है तो, और उसके ऊपर वाइट कलर लगाएं, और वाइट कलर के ऊपर फिर से जो शेड्स ब्लेंड करने हैं वो वाइट कलर ड्राई होने के बाद उसके ऊपर ब्लेंड कीजिए। और यहाँ पे मैंने पिंक शेड थोड़ा सा मुझे चाहिए था वो मैंने लगा दिया ओवर वाइट कलर। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका पहले इसमें परफेक्ट आ जाए। आप ये ट्राई कीजिए टेक्निक्स। पहले दो टेक्निक्स भी बहुत इजी थी, ये भी काफ़ी इजी है। आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन सी टेक्निक आपको इजी लगती है। अब मुझे थोड़ा सा येलो कलर लेना है। येलो कलर हमें सन निकालना है, तो सन के लिए पहले आउटर जो रिम होती है, जो बाहर का पोर्शन होता है सन का, वो थोड़ा सा येलो होता है, ब्राइट होता है। तो पहले स्काई को ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद येलो कलर जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है सर्कुलर पैटर्न में। तो एक सर्कल येलो ड्रॉ कर लेना है आपको, और उसको थोड़ा सा जो येलो रेज होती है उसको आप ऐसे फैला सकते हैं। उसके बाद येलो को थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे हम। और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करेंगे। वाइट कलर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा उसको येलो के साथ ब्लेंड होने के लिए, एक ब्राइट शेड के लिए हमें थोड़ा सा वाइट कलर चाहिए। तो यहाँ वाइट कलर, येलो कलर मेरा मॉइस्ट ही था। जहाँ पर आपको कलर्स ब्लेंड करने की ज़रूरत है वहाँ आप मॉइस्ट कलर पे ही ब्लेंड करें। जहाँ आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है, थोड़ा ब्राइट दिखाना है, तो आप नीचे की लेयर ड्राई होने दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर लगाएं। मुझे ये वाइट कलर उसके ऊपर लगाना था, तो मैंने उसको, मुझे ब्लेंड करना था तो मैंने नीचे का शेड जो था, नीचे का कलर जो था उस, वो मॉइस्ट था, तभी उसके ऊपर ये वाइट कलर लगाया। आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे।